एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। आज की वीडियो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट अवेटेड वीडियो होने वाली है। इस टॉपिक पर काफ़ी लोग मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि नीट 2021 स्ट्रैटेजी पे वीडियो अपलोड करी जाए। आई एम सो सॉरी कि थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि मेरा ध्यान अभी तक नीट 2020 प्रिपरेशन पर ही था, लेकिन अब से पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए भी फ्रीक्वेंटली स्ट्रैटेजी वीडियोस अपलोड करूं। तो इस वीडियो में मैं आप सभी से डिस्कस करने वाली हूं स्ट्रैटेजी टू क्रैक नीट 2021। आई एम श्योर आप लोग रेडी होंगे अपने सपने की तरफ बढ़ने के लिए। तो सबसे पहली चीज़, कैसे स्टार्ट किया जाए। इस वीडियो को देखने वाले काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी अभी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हो रखी है, तो मैं उन स्टूडेंट्स को कंसिडर करते हुए ही इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ। अगर आपकी प्रिपरेशन अभी तक हो चुकी है तो भी आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये हर स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़, एक चीज़ तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि COVID-19 के केसेस जैसे कि इंडिया में बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि इस साल अगस्त से पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वापस से खुलें। तो इस भरोसे तो प्लीज़ बिल्कुल मत रहिएगा कि जब कोचिंग क्लासेस शुरू होंगी तब पढ़ाई शुरू करेंगे। जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो आत्मनिर्भर आपको सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए या फिर डिजीज से खुद को प्रिवेंट करते हुए, इन सब चीज़ों में अप्लाई नहीं हो रहा है। आत्मनिर्भरता आपकी पढ़ाई वाले फील्ड में भी आता है कि आप लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट होना है, कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन पूरा फोकस खुद पर डालना है, क्योंकि अभी आपकी हेल्प आप खुद कर सकते हैं। सिर्फ आप ही आपके फ्यूचर के लिए जिम्मेदार हैं हमेशा से, लेकिन इस टाइम सिर्फ आप ही इस फेस को परफेक्टली यूटिलाइज करने के लिए जिम्मेदार होंगे। तो आई एम श्योर कि आप लोग रेडी हैं आत्मनिर्भर होने के लिए, आई एम श्योर कि आप लोग रेडी हैं खुद के फ्यूचर को बहुत ब्राइट बनाने के लिए। टिप नंबर वन में सबसे पहले हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और सेल्फ स्टडी को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। क्या डिफरेंस आता है एक कोचिंग जाने वाले बच्चे और एक घर पर सेल्फ स्टडी कर रहे बच्चे में? क्यों बच्चे ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, जो मुझे लगता है मैं वो आपसे शेयर करूंगी। पहली चीज़ तो ये कि कोचिंग में एक प्रॉपर रूटीन फॉलो होता है। सुबह 9 बजे चले गए, फिर 3 बजे वापस आ रहे हैं, या फिर आपका इवनिंग बैच, जो भी आपकी टाइमिंग है, एक फिक्स टाइमिंग होती है कि इतने से इतना टाइम मुझे पढ़ना है। सेल्फ स्टडी वाला बच्चा ये सोचता है कि अभी मन कर रहा है पढ़ लेता हूँ, अभी नहीं कर रहा है नहीं पढ़ूंगा। दूसरी चीज़, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में डेली के टारगेट्स होते हैं कि आज इस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा, इस सब्जेक्ट में इस चैप्टर को कवर कराना ही कराना है, आज इस चैप्टर का टेस्ट होकर रहेगा। चाहे कोचिंग में उस दिन सिर्फ 5 बच्चे आए, 10 बच्चे आए या पूरी क्लास आए, लेकिन टेस्ट होगा ही होगा। घर पर क्या होता है, आज मूड नहीं है, क्या टेस्ट देना है, बाद में दे दूंगा, आज मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, छोड़ो रात में पढ़ लूंगा या फिर अगले दिन पढ़ लूंगा। ये डिफरेंस आता है एक कोचिंग जा रहे बच्चे या फिर एक सेल्फ स्टडी कर रहे बच्चे में। तो कोई भी स्टूडेंट जहाँ तक मुझे लगता है कोचिंग इंस्टीट्यूट इसलिए ज्वाइन करता है क्योंकि वो चाहता है कि वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए, एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, एक डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करते हुए अपनी प्रिपरेशन करे। क्या सेल्फ स्टडी वाला बच्चा डेली के टारगेट रखते हुए पढ़ाई नहीं कर सकता? क्या सेल्फ स्टडी वाला बच्चा खुद को इवैल्यूएट करने के लिए खुद के टेस्ट नहीं ले सकता? हाँ, मानती हूँ कि कई बार आपको सर पे डंडे की ज़रूरत पड़ती है कि जब तक डंडा ना पड़े तब तक प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होती, लेकिन जब आपके पास एक ऐसा टाइम आ गया है कि आप लोग उस कोचिंग को भी अटेंड नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट उस टाइम तक के लिए तो आप खुद पर निर्भर हो सकते हैं। एटलीस्ट उस टाइम तक के लिए आप खुद को ही खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट मानते हुए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जब तक आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं खुलते हैं, जब तक आपकी ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट नहीं होती है, आपको सेल्फ स्टडी की हेल्प से ही खुद के एग्जाम को क्रैक करने के लिए स्टेप लेना पड़ेगा। तो सेल्फ स्टडी करेंगे, एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करते हुए सेल्फ स्टडी करेंगे। जैसे कि मैं हमेशा कहती आई हूँ कि डेली के टारगेट्स रखते हुए अपने दिन की शुरुआत करिए। ऐसा नहीं कि दिन शुरू हो गया है, आप पढ़ने बैठ रहे हैं और फिर आप सोच रहे हैं कि क्या पढ़ा जाए, आज क्या पढ़ने का मन कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दिन शुरू होते ही आपका ये टारगेट लिस्ट बननी चाहिए कि आज मूड हो ना हो, आज इंटरेस्ट जगे ना जगे, ये टॉपिक मेरे कवर होके रहेंगे। कोचिंग क्लास में आपको टीचर आके पूछता नहीं है कि बच्चों कल कौन सा चैप्टर पढ़ोगे, आज क्या पढ़ने का मन कर रहा है। तो इस टाइम पर आप अपने खुद के कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यहां पर कोई आपसे नहीं पूछेगा कि बच्चों इस टाइम क्या पढ़ने का मन कर रहा है। जो आपने सुबह टारगेट रख दिया है उसको पूरा करने पर फोकस करिएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर टू कहता है आउट ऑफ फिजिक्स
केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी किसी एक सब्जेक्ट पर पकड़ आपको बहुत मजबूत बनानी है ताकि नीट के एग्जाम में आप सबसे ज़्यादा मार्क्स इस सब्जेक्ट में ला सकें। जहाँ तक मुझे लगता है वो बैकबोन सब्जेक्ट अगर बायोलॉजी बन जाए तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि 360 मार्क्स का आपका ये सेक्शन होने वाला है। इसमें से अगर आप 320 प्लस अगर स्कोर कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री में 120 नंबर लाते हुए भी आप मेरिट लिस्ट तक पहुँच सके। तो इसीलिए मेक बायोलॉजी योर बैकबोन सब्जेक्ट। अब बैकबोन सब्जेक्ट बनाने का मतलब ये नहीं है कि बस एक पेपर पे लिख दिया है कि ये मेरा बैकबोन सब्जेक्ट है और ख़त्म। बैकबोन सब्जेक्ट अगर बायोलॉजी बन गया है यानी कि आपको अब उस सब्जेक्ट को हर दिन पढ़ना है, चाहे उसका सिर्फ एक टॉपिक ही पढ़े लेकिन हर दिन बायोलॉजी का कुछ ना कुछ मैटर पढ़ते रहिए। वो फ्लो नहीं टूटना चाहिए बायोलॉजी से, वो कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए। थर्डली, आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री को आप ऑल्टरनेटिवली पढ़ सकते हैं। आज बायोलॉजी के साथ फिजिक्स पढ़ ली, कल बायोलॉजी के साथ केमिस्ट्री, फिर अगले दिन बायोलॉजी के साथ फिजिक्स। इससे क्या होगा, बायो हर दिन कवर होता रहेगा और फिजिक्स और केमिस्ट्री जो कि ज़्यादातर बच्चों को टफ लगते हैं वो आप ऑल्टरनेट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी हर दिन पढ़नी है, फिजिक्स केमिस्ट्री को आपको ऑल्टरनेट डेज करके पढ़ना है। जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, चाहे वो बायो का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ सिंगल चैप्टर यू विल डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट चैप्टर। एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप इस भरोसे रहेंगे कि जब नीट आने वाला होगा ना उसे 2-3 महीने पहले सॉल्व करूंगा, तो फिर ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। आजकल तो काफी सारी बुक्स आ गई हैं जहां पर टॉपिक वाइज भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं। तो अच्छे रिसोर्सेज की हेल्प से आप अपने नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, उस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है तो जिस भी बुक से आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। मिनिमम 50 क्वेश्चंस तो हर चैप्टर से आपके सॉल्व होने चाहिए, तभी जाकर आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर से अभी मुझे कितना आ गया है, कहां पर कितने इंप्रूवमेंट की जरूरत है। फिर नेक्स्ट चीज आती है कि क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना नहीं हो पा रहा है, फ्रेंड्स से फ्रीक्वेंटली मिलना नहीं हो पा रहा है, टीचर से डाउट क्लियर करना नहीं हो पा रहा है, इस टाइम पर काफी बच्चे बहुत लेजी फील कर रहे हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, मूड स्विंग्स का होना, ये सब काफी बच्चे मुझे पता है एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। लेकिन आपके पास अभी क्या ऑप्शन है, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि इस रियलिटी को फेस करते हुए आपको फिर भी बेस्ट एफर्ट्स पुट करने हैं। अगर आप लोग अभी से नेगेटिव होने लग जाएंगे तो कैसे फिर आप नीट का एग्जाम दे पाएंगे। ये एक ऐसा टाइम है जिसमें आपको आपका, जैसे मैं हमेशा कहती आई हूँ कि खुद का फ्रेंड बनना है, खुद को समझाना है कि इस फेस को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया। तो जब लाइफ वापस से बिजी हो जाएगी ना, कि कोचिंग जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, खुद के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, आप याद करिए कभी ऐसा टाइम भी रहा होगा कि आपको सेल्फ स्टडी के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता था। मुझे अभी भी याद है कि आज से ठीक एक महीने पहले तक मेरे पास बच्चों की कंप्लेन आती थी कि मैम कोचिंग और स्कूल की वजह से सेल्फ स्टडी के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। और आज आपके पास पूरा टाइम सेल्फ स्टडी के लिए है। अगर आप इसको यूटिलाइज नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार होंगे आपके कम नीट स्कोर के लिए। तो भले ही आपके नीट के एग्जाम में अभी काफी टाइम है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप लोग लेजी फील करने लग जाएं और इफेक्टिवली टाइम को यूटिलाइज करते हुए प्रेपरेशन ना करें। जब भी आपको लग रहा है कि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ऑनलाइन क्विज सॉल्व करिए, वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से पढ़िए, जितना हो सके अपनी लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाते हुए पढ़ाई करिए, ताकि आपकी पढ़ाई भी हो सके, टाइम अच्छे से यूटिलाइज भी हो सके, प्रेपरेशन भी हो सके और आपको भी ऐसा ना फील हो कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। एक छोटा सा सजेशन मेरे पास आप लोगों के लिए है। जब मैं छोटी थी, मैं और मेरा भाई छोटा था, तो मेरे भाई को स्पेलिंग टेस्ट मिलता था, मतलब उन्हें स्कूल से स्पेलिंग लर्न कराने के लिए होमवर्क मिलता था कि आज आपको ये 10 स्पेलिंग्स लर्न करनी है। तो मेरा भाई वो स्पेलिंग्स को लर्न करता था और मेरी दादी को वो स्पेलिंग सुनाया करता था। तो दादी जब उन स्पेलिंग्स को सुनती थी तो मेरा भाई कहता था, अब मैंने आपको स्पेलिंग सुना दी है, आप मुझे वापस से स्पेलिंग सुनाओ। इससे क्या होता था, मेरे भाई ने जो कुछ भी पढ़ा है वो रिवाइज करता रहता था और साथ में दादी की भी पढ़ाई हो जाती थी। तो कुछ इस तरीके से आप भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने किसी टॉपिक को पढ़ लिया है और अब आपको आगे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो किसी फ्रेंड को कॉल करिए जो कि सच में पढ़ाई में इंटरेस्टेड है, या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर को बिठाइए और उन्हें उस चीज़ के बारे में पढ़ाइए। हर किसी को नॉलेज लेना अच्छा लगता है। आई एम श्योर आपकी फैमिली में भी कोई होगा, और क्यों नहीं होगा, जिसे बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ जानना हो। तो आपको अगर कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि आपने पढ़ लिया है तो आप उसी टॉपिक को अपने किसी फ्रेंड को पढ़ा सकते हैं, या फिर वीडियो कॉल के थ्रू, ग्रुप चैट के थ्रू उस टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं, जिससे आपका भी रिविजन हो जाए और बाकी बच्चों की प्रिपरेशन भी हो जाए। तो कुछ इस तरीके से भी आप अपनी लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाते हुए पढ़ सकते हैं। तो आपको नीट 2021 की प्रिपरेशन करते हुए किन चीज़ों को ध्यान देना है,
पहली चीज तो ये कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट होते हुए सेल्फ स्टडी को अपना ओनली एंड बेटर ऑप्शन मानते हुए प्रेपरेशन करनी है। दूसरी चीज, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से किसी एक सब्जेक्ट को अपना बैकबोन सब्जेक्ट बनाना है और उसे हर दिन पढ़ना है। तीसरी चीज, फिजिक्स और केमिस्ट्री को आपको अल्टरनेट पढ़ना है क्योंकि हमने ये अज्यूम किया है कि आप लोग बायोलॉजी को बैकबोन सब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। फिर चौथी चीज आती है कि आप लोग वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से क्विज सॉल्व करते हुए अपनी लर्निंग को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, वीडियो कॉल्स की हेल्प से अपने फ्रेंड्स को भी पढ़ा सकते हैं ताकि आपका रिविजन हो जाए। पांचवी चीज, किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए ताकि आप अपने को इवेल्युएट कर सके। और एक और चीज है कि जितना हो सके टॉपिक्स को रिवाइज करते रहिए ताकि आप उसे भूले ना। और बहुत जरूरी है कि इस पूरे प्रेपरेटरी फेज में आप हेल्दी डाइट लें, बहुत पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही प्रेपरेशन करेंगे तो जो आपने याद किया है वो आपके माइंड में देर तक रहेगा। तो आई होप ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। बहुत जल्द मैं आप सभी के लिए टाइम टेबल वीडियो भी अपलोड करूंगी जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगी कि कैसे बचे हुए मंथ्स में आप प्रॉपर रूटीन फॉलो करते हुए अपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के नीट के सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो प्लीज स्टे हेल्दी, स्टे होम, स्टे सेफ और बहुत अच्छे से घर पर रहते हुए सेल्फ डिपेंडेंट होते हुए अपनी प्रिपरेशन करिए। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। ऑल द वेरी बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2021 अब आपका। थैंक यू।